CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. भंडारा जिले में दृश्यम मूवी की तरह ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 23 वर्षीय युवती का हत्या का अपराध साबित हुआ है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 4 साल तलाश के बावजूद भी युवती का शव पुलिस को नहीं मिल पाया है। पता चला है कि 2019 में अपने कार्यस्थल से लापता हुई कालेवाड़ा निवासी अर्चना राउत नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। हालांकि शव नहीं मिला, लेकिन गवाह के बयान के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने 4 साल बाद हत्या का मामला दर्ज किया। झंझोर कर रख देने वाली इस घटना में गोबरवाही पुलिस ने पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के आदेश पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में संजय चित्तरंजन बोरकर, राजकुमार उर्फ राजू चित्तरंजन बोरकर, दोनों निवासी नेहरू वाड़ा कोलेवाड़ा व धर्म फागु सयाम शामिल है। मोहगांव टोला सहित तुमसर अदालत ने उन्हें 31 मई तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब रहे कि घटना के दिन से लापता अर्चना मानिक राव 23 साल की संदिग्ध आरोपी संजय बोरकर के घर काम करने गई थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने गोबरवाही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के दिन जब अर्चना की माँ आरोपी के घर गई तो उसने अपनी बेटी का पीला दुपट्टा और चप्पल देखा, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का दे दिया। गोबरवाही पुलिस पर बढ़ते दबाव को देखते हुए घटना के इकलौते चश्मदीद द्वारा पुलिस को दी गई गोपनीय सूचना में अर्चना की निशंस हत्या की असलियत सामने आ गई है। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पुलिस को अर्चना का शव नहीं मिला है, जिसकी तलाश जारी है। ज्यामध्ये 20/4/2019 ची एक मीटिंग होती, ज्याचं नाव अर्चना मानिक राऊत होता। ते 23 वर्षाची होती आणि कमलेवाडाची रहणार होती। त्याची मीटिंग 20/4/2019 दाखल झालेली होती आणि ते एक संजय चित्तरंजन बोरकर यांच्या घरात ते काम करत होती आणि त्या दिवशी ते तिकडे गेली होती आणि नंतर बाहेर आलेली नव्हती। त्यानंतर त्याची तपास झाली पण तपासमध्ये काही निष्पन्न झाला नव्हता। पण आता एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आम्हाला मिळालेला आहे, त्याचा बयान घेतला, त्या बयानात असा निष्पन्न झाला की जे संजय बोरकर आहे, त्याचा भाऊ राजकुमार बोरकर आहे आणि त्याचे जे ड्रायव्हर आहे धरम सर्याम, त्यांनी यांना त्यांनी यांचा मर्डर केला आणि मर्डर केल्यानंतर चिखला माईनच्या एरियामध्ये त्याची जे डेड बॉडी आहे त्यांनी त्यांना त्याची दफन केला। आता पुढची तपास चालू आहे आणि या घटनेचं मोटिव का होता आणि घटना घडण्याचा प्रोसिजर का होता आणि कुठे हे घटना झाली, कुठे ते डेड बॉडी आहे, डेड बॉडी आम्हाला मिळालेली नाही आहे, ते डेड बॉडी आम्ही घेणार आहे, त्याचं DNA आम्ही काढणार आहे आणि पुढची तपास करणार आहे। यामध्ये काही दुसरे आरोपी पण होऊ शकत आहे, त्याप्रमाणे पण आम्ही आमची चौकशी चालू आहे। NBC न्यूज के लिए भंडारा से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट। Enroll now for more details call